हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बताऊंगा दो लॉग को कंपेयर कैसे किया जाता है। लॉग में हमेशा ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जब कंपैरिजन की बात आती है तो दिमाग आदमी का बंद हो जाता है कि कैसे कंपेयर किया जाए। अगर मान लीजिए बेस अगर डिफरेंट है, चाहे नंबर अगर सेम है बेस डिफरेंट है, तो ऐसे में दिक्कत आने लगती है, फिर उस समय सारे कंसेप्ट ख़राब हो जाते हैं। तो कुछ करना नहीं है, ये कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, सिंपल सा अगर आप ग्राफ पे ध्यान दें, इसका लॉ के ग्राफ पे ध्यान दें तो वहीं से आपकी गलती नहीं होगी। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, अब ये चीज़ तो सिंपल नहीं है, ये सिंपल नहीं है। तो अगर कोई नंबर दिया होता तो आप मतलब इसको देख लेते आराम से, लेकिन यहाँ पर आपने आपकी ये जो चीज़ है ये देख के आपकी हालत ख़राब हो रही होगी। लेकिन ये कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ है। इसका बेस जो है 2 है, इसका बेस 3 है, नंबर दोनों सेम है, दोनों नंबर सेम है। तो पहले आपने ये चीज़ पकड़ ली कि हाँ दोनों के नंबर सेम है, ठीक है। तो अब इसमें आपका पहला अटेम्प्ट क्या रहेगा, तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करते हैं, जो ये जो 2 + √3 है, इसको क्या करते हैं बच्चे, सबसे पहले इसको सॉल्व करना देखते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें ये चीज़ करना सही है, तो क्या करेंगे वो 2 − √3 / 2 − √3 ये कर देंगे। उसके बाद ये a² - b² लगा देंगे इसमें, ठीक है। तो 4 − √3 / 2 − √3 ये 1 / √3। अब उसके बाद क्या करेंगे इसको 2 − √3 - 1, ठीक है। इतना हम क्यों मतलब जाएं, जब हमारा सवाल क्वेश्चन को देख के ही आ जा रहा है तो इतना क्यों लफड़ा लें हम, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे ये दोनों तो सेम है लेकिन बेस डिफरेंट हैं। आपको ये दिमाग में डालना होगा जो बता रहा हूँ मैं भी। तो इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ में हमको क्या कहा जा रहा है, ये बेस इसका 2 है, तो बेस इसमें क्या दे, कहाँ 2 रखें, तो बेस अगर इसका यहाँ पे 2 रखें, यही तो बेस होता है, ठीक है, ये बेस है। तो इसको अगर हम 2 रख रहे हैं, अभी मैं इसको 2 रख रहा हूँ, ठीक है, और हमें x की वैल्यू क्या दे रखी है, जो नंबर है 2 + √3, 2 + √3 कितना आएगा, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, मतलब 2 नहीं 3 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो ये मतलब यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं इस नंबर को, ये जो नंबर है इसको मान लीजिए हमने यहाँ पे एज्यूम किया, ठीक है। अब इसको ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके देखते हैं और y पे देखते हैं ये कहाँ पे आएगा, ठीक है। अब दूसरी जगह देखते हैं, यहाँ पे बेस 3 है, ये इसका ग्राफ बना रहा हूँ मैं, ये बेस 3 है और यहाँ पे आपको कंपैरिजन करने के लिए नंबर लिख दे रहा हूँ, ये 1 और यहाँ पे क्या हुआ, ये 2 और ये 1, ठीक है। अब इसमें जो है नंबर तो सेम ही है, नंबर क्या था 3 से, मतलब 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 3 से थोड़ा सा ज़्यादा ये यहीं पे आएगा, तो इसमें हमने डॉट दिया, तो इसमें ग्राफ बनाया। अब इस दोनों ग्राफ को आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि y की वैल्यू किस में कम आई और किस में ज़्यादा आई, y की वैल्यू इसमें कितनी आई और इसमें कितनी आई, दोनों में आपके आँख के सामने दिख रहा है। तो हम यहीं पे मतलब कंपेयर कर ले रहे हैं कि बेस किसका, मतलब बेस इसका 2 था, मतलब इसके बेस से कम था ये, तो ये कम बेस वाला है, तो कम बेस वाले की वैल्यू जो y है वो ज़्यादा आ गया इसके, जिसका बेस ज़्यादा था। तो हम यहाँ पे मतलब एक मतलब निचोड़ जो पूरा बात बताया उसका निचोड़ है कि मतलब हमेशा ये लॉग में हमेशा ये लागू होगा, अगर ये चीज़ अगर सेम है और बेस अगर ऊपर नीचे हैं, तो जिसका बेस अगर ये अगर 1 लाख भी होता तब भी ये इससे बड़ा नहीं हो सकता था, जितना बड़ा होगा ये उतना छोटा होगा, जितना बड़ा होगा ये उतना छोटा होगा ये, और ये जितना छोटा होगा उतना बड़ा होगा। मतलब कहने का मतलब अगर लॉग का बेस सामने वाले से ज़्यादा है तो वो छोटा होता जाएगा, जैसे मैंने बताया था, अगर इसका बेस जितना छोटा होगा उतना बड़ा होगा, जितना छोटा, ये छोटा था 2, ये बड़ा था 3, ये छोटा हो गया, इसकी y की वैल्यू छोटी हो गई।
अब उसी तरह से देखते हैं, अगर बेस सेम है, बेस तो दोनों के सेम है ठीक है, अब इसका भी ग्राफ आपको बता दे रहा हूँ मैं, इसको कैसे कंपेरिजन किया जाए, ये तो आपने मतलब आपको आता होगा लेकिन ग्राफ के थ्रू आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी हमारी वैल्यू कितनी आ रही थी, 3 पॉइंट समथिंग, तो ये हमारा बेस है तो इस बेस को हम यहीं पे लिखेंगे, ये जो है 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो 3 पॉइंट समथिंग हमारा बेस है, और जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, ये एक्स की वैल्यू 2, तो ये तो यहाँ पे आ रही है ठीक है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग, तो ये यहाँ पे आएगा ठीक है, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, और ये इधर है, मतलब इसको एक्सटेंडेड व्यू में दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये 3 पॉइंट समथिंग थी, ये भी 3 पॉइंट समथिंग थी, और इसका जो क्या कहते हैं, हाँ हम इसको सॉल्व कर रहे थे, तो इसका जो नंबर है, तो नंबर हमारी, इसका नंबर 2 था, तो 2 कहीं यहाँ पे आएगा और 1 कहीं यहाँ पे आएगा, तो ये रहा 1 और ये रहा 2, और इसका देखिए यहाँ पे ये रहा 3, ये रहा 2, ये रहा 1 ठीक है, तब जब नंबर अगर हम 2 रख रहे हैं और नंबर अगर 3 रख रहे हैं, बेस सेम है, बेस ध्यान देना, बेस नहीं हाँ बेस सेम है, तो अब देखिए किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है ग्राफ में, तो कहने का मतलब अगर नीचे जा रहा है तो वो तो नेगेटिव हो रहा है, तो जितना नीचे जाएगा वो उतना छोटा हो जाएगा, तो जितना नीचे कौन जा रहा है, ये जा रहा है, और ये तो कम ही नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे छोटा कौन दिख रहा है, ये देख लीजिए आपको यहीं भी यहीं से मेजर हो जाएगा, ये देखिए ये कम नीचे गया और ये जो है ये थोड़ा ज़्यादा नीचे चला गया, तो कौन छोटा हुआ इनमें, इन दोनों में कौन छोटा हुआ, यही हुआ, तो इसका बेस तो मतलब सेम था लेकिन नंबर क्या था, 3 था, तो नंबर 3 था, तो जो अगर नीचे के व्यू में मतलब जितना कम नेगेटिव होगा उतना वो ज़्यादा बड़ा होगा, और जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना वो ज़्यादा मतलब छोटा होगा, तो इस तरह से हमने क्या किया, ये जो चीज़ है ये इस समय बड़ी आ रही है, इसका मतलब जो नंबर है, नंबर ये 3 था तो ये इस समय बड़ी होगी क्योंकि ये कम मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, और ये जो है ये छोटी इसलिए हुई क्योंकि ये ज़्यादा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो इसलिए छोटी हुई, तब इसका डायरेक्शन क्या लिखेंगे ये ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या लिखेंगे ये ठीक है, अब उसी तरह से आपको ये देख लेना है, इसमें क्या है, इसमें भी वही है, इसका जो नंबर है वो सेम है, अब यहाँ पे भी देख लीजिए, जिसका ज़्यादा बेस, ज़्यादा नंबर में बेस है वो उतना ज़्यादा छोटा, जितना ज़्यादा बेस उतना वो ज़्यादा छोटा, जितना ज़्यादा बेस उतना ज़्यादा छोटा, ये छोटा हो गया इससे ठीक है, और ग्राफ तो मैंने बता ही दिया था, अगर आप इसको भी ग्राफ से देखना चाहें तो इसको भी बता दे रहा हूँ मैं ग्राफ से, ग्राफ में इसका बेस, इसका बेस 2 है, बेस 2 रख दिया ठीक है, नंबर क्या था हमारा, नंबर क्या है 7 है, तो मान लीजिए ये 2 है तो 7 कहीं मान लीजिए यहाँ पे आएगा, और तो इसको ग्राफ बना ही दे रहा हूँ मैं, ये रहा 7, ये वाई की वैल्यू, और यहाँ पे बेस हमारा क्या था, बेस 3, तो बेस 3 है, और एक्स की वैल्यू मतलब नंबर क्या है 7 है,
देख लीजिए, इसका ज़्यादा बेस्ट था इसलिए इसकी वाई की वैल्यू कम मिल रही है, जिसका कम बेस था उसकी वाई की वैल्यू ज़्यादा मिल रही है। तो इस तरह से ये कंसेप्ट पूरा होता है। थैंक यू।